हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक चटपटी सी आलू की सब्जी की रेसिपी। बहुत फटाफट ही आलू की सब्जी बन जाती है। इसको आप रोटी के साथ या फिर चावल के साथ अगर आप सर्व करते हो, या फिर अगर आपको सफ़र के लिए भी ये सब्जी को लेके जाना है तो एकदम लेके जा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस कढ़ाई के अंदर ऑयल हम लोग डालेंगे। तो अगर आप ट्रेन के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा आपको ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। और फिर जब ये हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ थोड़ी सी राई ऐड करेंगे। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हींग। और फिर उसके बाद में इसके अंदर डालेंगे हम लोग थोड़ी सी कसूरी मेथी। और फिर उसके बाद में हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। और अब डालेंगे हमारे आलू। तो आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो जिस साइज़ में आपको कट करना हो उस हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद में इसके अंदर डालेंगे हम लोग टेस्ट के हिसाब से नमक। अभी एकदम से कोई मसाले इसके अंदर और ऐड नहीं करेंगे, बस नमक डालेंगे और फिर से एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद में कवर करके इसको हम लोग को थोड़ी देर तक पका लेना है, जब तक कि आलू 80 से 90% तक कुक नहीं हो जाता है, बस तब तक इसको हमें पका लेना है। तो जब तक ये अच्छे से पकेंगे उसके बाद में ही हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बीच बीच में हम लोग इसका कवर हटाकर अच्छे से फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आलू हमारे अच्छे थोड़े से पक गए हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा इसको ऐसे ही मिक्स करने के बाद में इसके अंदर डालेंगे हम लोग मसाले। और इसके अंदर हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके मसाले बहुत जलने स्टार्ट हो गए हैं तब आप इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए, लेकिन अगर सफ़र में ले जा रहे हैं तो बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, एकदम ख़राब हो जाती है ये सब्जी। तो अब इसके अंदर सिर्फ हम लोग डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। फिर से इसको एकदम अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद में कवर करके हम लोग ऐसे ही पकाएंगे। तो यहाँ हमारी सब्जी अच्छे से बन गई। तब मैं इसके लिए यहाँ पर डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर नींबू का रस गैस बंद करने के बाद में ऐड करिए और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया था। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर एकदम अच्छे से तैयार हो गई है। तो बस फटाफट से इसको मैंने रोटी के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा फटाफट ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आपको मेरी ये बताई हुई रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना। और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।